हमने कोशिश पूरी करी है, बहुत चीजें अगेंस्ट में थी हमारे। कंपटीशन था यार, अच्छा टफ कंपटीशन था। जोन लेना ही एक बहुत मुश्किल चीज़ हो गई थी एक टाइम पे। हम अच्छा खेले हैं यार पूरे टूर्नामेंट में। लाइक हेटर्स तो बोलते रहेंगे टू 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 जो भी चल रहा है। मैं जानता हूँ कि हमने राउंड वन से लेके अभी तक कितनी मेहनत करी है, कितना हमने ग्राइंड करा है, कितने कम टाइम और कितने लिमिटेड रिसोर्सेज में, इवन उससे हट जाने के बाद भी हम लोगों ने कितनी मेहनत करी है। और बेटर कर सकते थे, बट आई टेक लाइक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दिस एंड आई फील कि प्लेयर्स आर रियली टैलेंटेड एंड आई पर्सनली फेल्ड एज अ कोच दिस टाइम। कुछ गलतियाँ मुझसे भी हुई हैं, कुछ टीम से भी हुई है, कुछ एक्सपीरियंस की भी कमी। प्लेयर्स आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे, बट आई थिंक कि मैं एज ई स्पोर्ट्स में अब एज अ कोच शायद पूरे तरीके से कंट्रीब्यूट अब नहीं करने वाला हूँ। हाँ, ये जो हेटर्स हैं कि एलिगेशंस क्लियर करो, प्रूफ करो कि पास्ट में हैकर नहीं थे, हम डेफिनेटली उसको करूँगा। जो भी मेरे पास है मैं सारा कुछ ला के रखूँगा, एक एक चीज़ आप लोगों को दी जाएगी। बट इतना मैं ज़रूर बोलता हूँ कि मेरे इस टूर्नामेंट में किसी प्लेयर ने कुछ नहीं करा और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। कर सकते थे हम क्वालिफाई, करना चाहिए था, बट कुछ गलतियाँ हुई हैं। विल बी रिक्रूटिंग अ कोच मे बी एंड टीम मायावी के लिए हम एक दूसरा कोच ज़रूर ढूंढेंगे। ये टीम की जर्नी क्या रही है, लाइक मैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स में गया, मुझे बोला गया कि मावी के अराउंड टीम बनानी है और मेरी प्रायोरिटी हमेशा अंडरडॉग्स, मैं लगा अंडरडॉग्स को ढूंढने और मुझे लेजिट और ब्लैक्स तो बहुत अच्छे प्लेयर्स दिखे। बट इन लोगों ने बोला कि हम टीम नहीं तोड़ेंगे, हम साथ ही खेलेंगे, हम ऐसे टीम नहीं टूटेगी हमारी। तो आई थॉट कि यार टीम मायावी का स्लॉट है, पिछली बार हम लोग क्वार्टर फाइनलिस्ट थे, इस बार ऑफिशियल का स्लॉट हमको मिल सकता है, इन्वाइट आ सकता है, सो लेट्स नॉट वेस्ट दैट स्लॉट। उस स्लॉट की जगह हम किन्हीं और प्लेयर्स को, कुछ नए प्लेयर्स को मौका देते हैं। स्लॉट वेस्ट जाने से तो बढ़िया है कि उस पर कोई खेल ले। भाई गलती मान ले, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। किस चीज़ की गलती मान ले यार, किस चीज़ की गलती मान ले? कंक्लूसिव एविडेंस बोल बोल के तुमको बहुत कंक्लूसिव एविडेंस मिल गए ना। टूर्नामेंट खत्म होने दो, मैं खुद से बोल रहा हूँ, ये टीम का एक एक जो भी टू टू ऐप का तो प्रॉपर एक प्रूफ दूंगा मैं आपको कि क्या है वो टू टू। आपको एलिगेशन के रूप में टू टू ऐप में क्या दिखाया गया है? एक कॉल आती है और बोल दिया उसने कि टू टू ऐप मिला था, उसके अलावा कुछ मिला? कोई वीडियो या फोटो वगैरह है आपके पास जिसमें टू टू ऐप का दिखा हो आपको उसके डिवाइस चेकिंग के टाइम पे, तो मुझे भेज देना। और नहीं भेज पाओगे तो मैं आपको उसी टूर्नामेंट का बहुत कुछ दे दूंगा। बहुत कुछ मिल गया हमको टूर्नामेंट के बीच में, ये सब करना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने बोला था मैं टूर्नामेंट के बाद आऊँगा सामने। खैर वो सब बात की बातें हैं, वो सब मैं करूँगा। एक्चुअल टू टू जो थे उनका कुछ नहीं होना। चलो खैर, इस बारे में हमारे इंस्पेक्टर बहुत बैठे हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, कुछ काम अच्छे भी करें, बट कुछ पर्सनल ग्रजेस भी उतारी गई हैं। नेवर्थलेस फीलिंग सैड फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स जो क्वालिफाई नहीं कर पाई। मैं आई थिंक सोल का तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक था। आई थिंक मैंने ये चीज़ पहले ओजी के पॉडकास्ट में भी बोली थी कि जितनी जल्दी ऑफिशियल टूर्नामेंट गेम आते ही आ गया है, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है, बिकॉज बहुत सारी टीम्स तैयार नहीं लग रही हैं।